जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने वंदे भारत न्यूज को बताया कि शासन प्रशासन द्वारा भाजपा नेताओं के इशारे पर उमरिया में सड़कों पर मोटा कारोबार करने वाले गरीबों के खिलाफ मनमानी व अन्यायपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। विगत दिनों नगर में गुमटिया ठेले इत्यादि हटाने की मुनादी की गई, जिसमें लोगों में भय और असंतोष बना है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक और आपके द्वारा सड़क के किनारे कारोबार करने वाले नागरिकों के लिए स्ट्रीट वेंडर योजना लागू की गई है, ताकि ऐसे व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। दूसरी ओर सड़क से जो गुमटिया ठेले हटवाए जा रहे हैं, गौरतलब है कि उमरिया में सैकड़ों लोग गुमटिया ठेलों अथवा रेहड़ी लगाकर दुकानदारी करते हैं, जिस पर उनका व उनके परिवार का भरण पोषण होता है। वहीं कांग्रेस नेत्री सावित्री सिंह ने भाजपा सरकार पर विरोध जताते हुए कहा कि जब से नोटबंदी और कोरोना महामारी के बाद से अभी तक लोग आर्थिक तंगी, महंगाई और मंदी से उबर पाए नहीं है, कारोबार पूरी तरह से चौपट है। ऐसे में इस कार्रवाई से हजारों लोग बेरोजगार होकर सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए आज हम सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग करते हैं कि इस कार्रवाई में तत्काल रोक लगाई जाए। वंदे भारत से अरुण द्विवेदी की खास रिपोर्ट। उमरिया नगर पालिका द्वारा कुछ क्षेत्रों में जो अवैध रख ली गई थी और दुकानें रख ली गई थी, उनको हटाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा। निर्माण है अवैध गुमटियाँ या दुकानें जो रखी गई हैं, उस पर तो कार्रवाई करना जो नगरीय प्रशासन है उसका दायित्व भी है, और अभी हाल ही के समय में अतिक्रमण शहर से अलग भी किए गए हैं और आने वाले समय में भी इसी तरह से कार्रवाई। विगत दिनों भाजपा नेताओं के इशारे पर प्रशासन द्वारा गुमटी और ठेले उठाने की नोटिस दी गई, लोगों को अनाउंसमेंट करके कहा गया कि आप 24 घंटे के अंदर अपना ठेला उठा लें। किसने रखवाया, कब रखे गए, इसका कोई इनके पास लिखा जोखा नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि स्ट्रीट वेंडरों को हम रोजगार देंगे, उनके ठेला रखें, अपना काम करें, अपना जीवन यापन करें, और यहाँ दूसरी तरफ प्रशासन उनको हटाने की कार्रवाई कर रहा है। दोहरा मापदंड है, सरकार अगर इस तरीके की कार्रवाई करेगी तो कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है, उनके साथ है जिनके साथ अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को कांग्रेस किसी भी हालत में उनको दे दिए तो उनसे लेंगे। आज कांग्रेस को द्वारा किस बात को लेकर ज्ञापन सौंपा गया? आज कांग्रेस पार्टी के माननीय जिला अध्यक्ष माननीय अजय सिंह के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पहुँच के ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन इस बात की दिए हैं कि जो हमारे छोटे छोटे हाँ ठेले वाले भाई हैं, जो अपने व्यापार ठेला के माध्यम से चला के अपने भरण पोषण करते हैं, उनके ठेला को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हटाया जा रहा है और दबाव दिया जा रहा है, उनको ठेला नहीं लगाने दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग शहर में शासकीय ज़मीन ना के बराबर बची है और लगातार अतिक्रमण जारी है, और ऐसे लोगों के द्वारा भी अतिक्रमण किया जा रहा है जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो ऐसे लोगों का भी सहयोग करेगी क्या कांग्रेस? कांग्रेस ऐसे लोगों को बिल्कुल सहयोग नहीं करेगी। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस भी देखेगी, लेकिन जो करोड़ों की संपत्ति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कब्जा किया गया है और अनायास लोगों को परेशान किया जा रहा है, समय आने पर उनको जवाब दिया जाएगा। ऐसे लोग भी हैं मार्केट में जिनके पास में करोड़ों की दुकानें हैं और उसके बाद वो ठेला रख रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ कांग्रेस क्या कार्रवाई, क्या कहना चाहती है उस पर कांग्रेस? उसमें चिन्हित किया जाएगा, सर्वे होगी, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। जिनको नहीं है, जिनके पास वास्तविकता नहीं है, ना उनकी ज़मीन है, ना कोई प्रॉपर्टी है, और हाँ ठेले के माध्यम से चले उन